वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैंने ये लुक क्रिएट किया हुआ था, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। सो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये सिस्का का हेयर स्ट्रेटनर। एक तरीके से ये फ्री प्रोडक्ट आपने टाइटल से समझ लिया होगा, बट ये फ्री प्रोडक्ट किस तरीके से, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको दे देती हूँ। सो मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, तो ये एक तरीके से मेरे लिए फ्री था, क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट पे कुछ गेम्स खेलती रहती हूँ, तो उसमें मुझे कॉइन्स और जेम्स मिलते हैं। तो उससे मैंने गिफ्ट वाउचर लिया था, गिफ्ट कार्ड्स फ्लिपकार्ट का, और उससे मैंने ये परचेस किया था। तो इनडायरेक्टली ये मेरे लिए फ्री है, बट हाँ मेरी मेहनत और मेरे जो डाटा गया होगा उसके पैसे तो होंगे। सो ये है, तो चलते हैं प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में। सो ये सिस्का का इस तरीके का ये पिंक कलर में आपको मिल जाते हैं स्ट्रेटनर है, और अच्छी खासी इसमें कॉर्ड है 1.5 मीटर की, और ऐसा कुछ ओपनिंग दिया है आपको। थोड़ा सा हार्ड था तो मेरे से नहीं खुल रहा था, बट या ऐसा ओपनिंग है, आप ऐसे ओपन करोगे तो ये हो जाएगा। फिर आपको अगर अंदर साइड दिख रहा होगा तो ऑन और ऑफ के लिए बटन दिए गए हैं, सो उससे ऑन और ऑफ होता है, और लाइट्स भी अगर ऑन होएगा तो लाइट्स भी ऑन हो जाएगी। और इस पर अच्छी खासी सिरेमिक कोटिंग दे दी है, तो जो आपको आफ्टर अप्लाइंग एक बाल में अच्छी खासी शाइन आ जाती है। और इससे पहले भी मैंने इसका मीन्स यूज़ कर चुकी हूँ, ताकि ट्रायल के लिए कि ये कितना वर्क करता है। तो ये मेरे ख्याल मेरे इस पर 3 दिन चल गया था, सो इसलिए मैंने इसका रिव्यू और डेमो आपको मेंशन कर रही हूँ। सो चलते हैं बॉक्स के डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो सो चलते हैं इसके क्लेम्स की तरफ। तो पहला क्लेम दिया है हिट बैलेंस करता है, नेक्स्ट है 60 सेकेंड रैपिड हिट फंक्शनिंग, और है स्टाइलिश बॉडी, लाइट वेट बॉडी एंड सिंपल लॉक फंक्शंस। तो या ये अपने सारी क्लेम्स पर खड़ा है, मैं यूज़ कर चुकी तो बता रही हूँ। सो आगे के इस पर दिया हुआ है कि ये 230 डिग्री सेल्सियस तक हिट होता है, और हाई टेम्परेचर और रेजिस्टेंस सिरेमिक कोटेड प्लेट भी है मेंशन, और काफ़ी अच्छा खासा शाइन दे देता है आफ्टर अप्लाइंग आफ्टर यूजिंग मतलब आफ्टर स्ट्रेटनिंग। तो अच्छा खासा स्ट्रेटनिंग का पे शाइन दे देता है। और इधर आपको मिल जाता है पीछे से बैक साइड पे, तो इसमें 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है, एड्रेस मेंशन है और मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है, दैट्स इट। कंज्यूमर केयर का जो सारे डिटेल्स हैं वो है, एंड ऑल दैट पैकेजिंग कंटेंट सारे स्पेसिफिकेशन ये सब मेंशन है। सो चलते हैं डेमो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर मैं अपने बालों में पार्टीशन कर लेती हूँ, और मैं यहाँ पर 2 पार्ट कर लेती हूँ। सो गाइस इसका डेमो है, मैं दे रही हूँ अपने हाफ बाल को कंपेयर करके, कि हाफ पोर्शन में मैं आपको स्ट्रेटनिंग कर दिखाती हूँ, और हाफ पोर्शन में मैं बिना स्ट्रेटनिंग के रखती हूँ, तो आपको कंपैरिजन में अच्छा खासा समझ जाएगा कि किस तरीके का वर्कआउट करता है और किस तरीके का इसका आफ्टर लुक स्ट्रेटनिंग कैसा आता है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे स्मॉल अच्छे से पहले कॉम कर ले रही हूँ अपने हेयर्स को, सारे जो टैल्क वगैरह हैं, जितने भी डेंट्स वगैरह हैं वो सारे मैं क्लियर कर लेती हूँ, एंड फिर मैं अच्छे से स्मॉल पोर्शन लेकर मैं यहाँ पे स्ट्रेटनिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं फ्रंट से थोड़ा सा पोर्शन ले रही हूँ और कर रही हूँ, हालाँकि मैंने इससे पहले काफ़ी स्ट्रेटनर यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे एक ट्रायल देना था और मैं सोच रही थी कुछ अच्छा सा खरीदूँ, तो इसलिए मैंने सिस्का का ख़रीद लिया। इससे पहले मैंने फ़िलिप्स का भी यूज़ किया है और नोवा का, बट या मेरा जो है ये पहला परचेस है स्ट्रेटनर के, इसमें मैंने यूज़ की हूँ बट वो दूसरे का था, और ये मैंने न्यू परचेस किया खुद के लिए। सो यहाँ पर मैं स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ अपने बालों पर, सो देख सकते हो या इसमें ऑटो कंट्रोल हीट का है, तो जब ये अपने आप हीट हो जाता है, अगर एक्सेस टेम्परेचर पे चला जाता है तो अपने आप हीट कंट्रोल कर लेता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने जितने भी पोर्शन लिया था वो अच्छे से स्ट्रेट हो चुका है। हाँ गाइस मेरे बाल थोड़े से रफ हैं, थोड़े से हार्ड हैं, तो स्ट्रेटनिंग ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा रहा है आपको, फिर भी मैंने थोड़े से सीरम वगैरह अप्लाई किया था, बट दैट सो कि मेरे बाल इतने सॉफ्ट नहीं हैं, तो अगर सॉफ्ट बाल हैं तो काफ़ी अच्छे से दिखता है स्ट्रेटनिंग करने के बाद दैट्स। और फिर यहाँ पे मैं सेकेंड पोर्शन भी ले रही हूँ, और इसको भी मैं अच्छे से स्ट्रेट कर ले रही हूँ,
और गाइस आप अगर स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं तो स्मॉल स्मॉल पोर्शन पर ही लेकर करिए, ताकि जो स्ट्रेटनिंग है वो काफ़ी अच्छे से दिखेगा। सो यहाँ पर मैंने कर लिया, अब मैं आपको पूरे बाल पर स्ट्रेटनिंग कर दिखा रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया था कैमरा और फिर मैंने पूरे बालों पर स्ट्रेटनिंग कर ली, और फिर यहाँ पर दूसरा पोर्शन जहाँ पर बिना स्ट्रेटनिंग के। सो आप खुद ही देख सकते हैं कितने अच्छे से कंपेयर करके, मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है स्ट्रेटनिंग के बाद। सो यहाँ पर हाफ पोर्शन मेरा स्ट्रेटनिंग के किया हुआ और हाफ पोर्शन नहीं। सो गाइस कैसा लगा मेरा ये रिव्यू प्लस डेमो वीडियो? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू, बाय।